नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। राजस्थान के अंदर तेज वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के बूते कोरोना तो कंट्रोल हो गया है, पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण अभी डेंगू अनकंट्रोल में है। ऐसे में अब विभाग आंकड़े जुटाने में लगा हुआ है और विभाग का दावा है कि प्रदेश में डेंगू के कारण अब तक 23 मौतें हो चुकी हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि एक पड़ताल के अंदर सामने आया कि सिर्फ जयपुर के SMH अस्पताल में ही 37 से अधिक जाने गई हैं और डेंगू के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक प्रदेश में बात करें तो 9693 डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं और 5 जिलों में 500 से ज़्यादा केस बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर केंद्र सरकार और BJP को आड़े हाथों लेते हुए सियासी हमला किया है। गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्य से आज देश की सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। तो आप सभी को बता दूं कि उन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो लोग नहीं जानते थे कि बिजली क्या होती है। तब ना स्कूल थे, ना कॉलेज और ना मेडिकल सुविधाएँ थी। आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान और आधुनिक जयपुर कांग्रेस की देन है। रेल प्रशासन ने कोहरे के मौसम में परिचालनगत कारणों से एहतियात के तौर पर कुछ नया बदलाव किया है, जिसमें अब बात करें तो वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि गाड़ी संख्या 02988 अजमेर सियाल दह प्रतिदिन चलने वाली स्पेशल ट्रेन को कोटा मंडल भरतपुर से गुजरती है। वहीं आगामी 1 दिसंबर 2021 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 02987 सियाल दाह से अजमेर में अपने प्रारंभिक स्टेशन से आगामी 2 दिसंबर 2021 से लेकर के 1 मार्च 2022 तक अवधि में अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। कोविड काल के बाद में पहला ऐसा मौका है जब जोधपुर एयरपोर्ट पूरी स्विंग में फ्लाइट का संचालन कर रहा है। सोमवार से अहमदाबाद के लिए नई फ्लाइट शुरू होने के बाद जोधपुर एयर कनेक्टिविटी से 9 शहरों से जुड़ जाएगा, यानी एक दिन में 18 फ्लाइट्स आएंगी और जाएंगी। इधर पहले दिन 16 फ्लाइट्स के संचालन से एयरपोर्ट पर चहल पहल तो बढ़ गई थी, साथ ही यात्रियों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ा था। जोधपुर एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही रोजाना सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच में 18 फ्लाइट्स का संचालन होने लगेगा और इससे कुछ साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। शहर में सुबह व शाम के बाद में तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। रविवार को शहर का न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया। अक्टूबर माह की बात करें तो सबसे कम तापमान यही रहा। पिछले 4 दिनों में शहर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री उतर गया है और इससे पहले न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंच गया था। इसके बाद में पश्चिम विक्षोभ की वजह से पिछले कुछ दिनों में बादलों की आवाजाही हुई थी, और लेकिन बादल कम होने और हवाओं की दिशा भी बदलने और सुबह ठिठुरन भी अब इससे बढ़ने लगी है। पेट्रोल और डीजल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी अभी भी जारी है। जोधपुर में अब पेट्रोल 116.13 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया, तो वहीं डीजल के दाम भी पहली बार 107.46 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटे में पेट्रोल 37 पैसे और डीजल 38 पैसे महंगा हुआ है, और अक्टूबर में ही पेट्रोल 7.69 रुपये जबकि डीजल 8.48 रुपये महंगा हो चुका है। एक माह में इतनी बढ़ोतरी भी पहली बार दर्ज की गई है। जिला प्रशासन की ओर से रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सीकर कलेक्ट्रेट परिसर में मनाई गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से किया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन की ओर से गांधी दर्शन संगोष्ठी का भी आयोजन रखा गया, जिसके अंदर विभिन्न अधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और कार्यक्रम के अंदर बात करें तो कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, फतेहपुर विधायक हाकम अली खां समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इसमें मौजूद रहे।
मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।